नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और जहां जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक और जहां राहुल गांधी जनता को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अब धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव जो है और चुनाव नजदीक आते हैं तो धर्म और जाति की राजनीति बीजेपी सबसे पहले करने लगती है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो वहां पर मां वैष्णो के दर्शन भी किए उन्होंने और पूजा अर्चना भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी का ये बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि क्या वो अपने दादा फिरोज खान को भूल गए हैं। यानी कि राहुल गांधी अगर खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं तो बीजेपी नेताओं को इस पर एतराज होता है। बीजेपी नेता इस पर चुटकी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर कब तक जो है ऐसे ही धर्म और जाति की राजनीति बीजेपी करती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों का जब भी समय आता है तो बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करने पर उतारू हो जाती है, और जहां तक देखा जाए तो वो जनता को धर्म और जाति में फंसा कर रख देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो युवाओं की बात कर रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं की बात कर रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो रोजगार की बात करती है, जो जमीनी स्तर की बात करती है, युवाओं के सपनों की बात करती है, एक और बीजेपी जो धर्म की बात करती है, जो जाति की बात करती है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क कांग्रेस और बीजेपी में अब दिखता नजर आ रहा है। आज के युवाओं को धर्म और जाति से मतलब नहीं है, आज के युवाओं को रोजगार से मतलब है। आज के जो लोग हैं, आज की जो जनता है, उसे महंगाई से मतलब है। महंगाई सरकार कैसे कम करे, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे करे कम कैसे किया जाए, युवाओं के सपनों को कम कैसे किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, ना कि धर्म और जाति की राजनीति करके जनता को बरगलाना चाहिए, ना ही धर्म और जाति की राजनीति करके जनता को गुमराह करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी इस वक्त जो धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, ये बात देश की जनता समझ रही है। ये भी समझ रही है कि वो कांग्रेस पार्टी ही थी, ये भी देख रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही थे जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में मोदी सरकार कितनी बड़ी विफल साबित हुई। जो मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने कोरोना जैसी बीमारी को अपने देश से बाहर निकाल दिया, वो मोदी सरकार कोरोना की दूसरी वेव के दौरान पूरी तरह पस्त हो गई। तस्वीरें सभी ने देखी, सभी को पता चली जानकारियां कि क्या हालात हैं देश में, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सरकार 2014 के बाद से अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जरा जमीनी स्थिति को तो खंगालिए, जमीनी स्थितियों पर तो बात कीजिए, जमीनी स्तर पर आपने कितना काम किया है इसका तो खाका दिखाइए। सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार काम नहीं करती, केवल सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर काम करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से लोगों के लिए काम कर रही है, जिस हिसाब से लोगों की आवाज बन रही है, यह बताता है कि वाकई में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा बदलाव कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज युवाओं का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखता नजर आ रहा है। आज युवाओं का झुकाव राहुल गांधी की तरफ है, आज युवाओं का झुकाव प्रियंका गांधी की तरफ है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से जनता भी अब महंगाई की वजह से परेशान हो चुकी है, जिस तरह लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सबक बन चुका है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से माहौल बन चुका है चुनावों से पहले, इससे जनता सरकार से बहुत परेशान है। जनता मोदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जब से साल 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, तब से देश के अंदर महंगाई ही बढ़ी है, देश के अंदर युवाओं के सपने टूटे हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, हमारे देश की GDP काफ़ी नीचे चली गई। यानी कि कहा जाए सरकार ने केवल और केवल
अपने मन मुताबिक काम किया और अपने ही मन की बात की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन अब जनता के पास कांग्रेस का ही बच रहा है, क्योंकि जनता ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार बदलाव किया जाए। अगर बदलाव जनता करेगी तो शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से होगी। आपको बता दें, हाल ही में कुछ सर्वे सामने आए थे जिनमें देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। दरअसल इसकी वजह क्या थी कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता जिस कदर उत्तर प्रदेश में बड़ी है, प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हुई है, प्रियंका गांधी जिस तरह से काम करती दिखाई दे रही हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव अगर होता है, कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतती है, कई बड़े सीटें निकाल ले जाने में कामयाब हो जाती है, तो साल 2024 की तस्वीर आप समझ लीजिए कि बदल गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है दिल्ली का रास्ता। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसने कर ली उसके लिए लोकसभा चुनाव इतना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी सियासी संकट से कम नहीं, योगी सरकार के लिए ये चुनाव किसी सियासी संकट से कम नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल योगी सरकार काफ़ी हद तक पिछड़ती नजर आ रही है। फिलहाल योगी सरकार काफ़ी हद तक जो है वो पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि मौजूदा समय जो है वो ये है कि जनता एक तरफा योगी सरकार की तरफ नहीं जा रही, जनता एक तरफा योगी सरकार को वोट नहीं कर रही, क्योंकि जनता भी बदलाव चाह रही, जनता भी चाह रही है महंगाई कम हो, युवाओं के सपने पूरे किए जाएं, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर हो, राज्यों के अंदर हो, ताकि सभी के सपने पूरे हो सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल इस वक्त जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये बताता है कि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जनता को अब जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी का ही है। जी हाँ, जनता ये पूरा कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी। देखिए, अगर बात करें जमीनी स्तर पर जो बातें निकल कर सामने आती हैं, जमीनी स्तर के जो सर्वे निकल कर सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि वाकई में किस तरह की स्थितियां अब अलग हो रही हैं, किस तरह से अब माहौल बदल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता आज परेशान है महंगाई की वजह से, और जिस हिसाब से लोग व्यापारी जो है उनका तमाम तरह से भट्टा बैठा हुआ है, इससे सरकार इससे जनता परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव करने के मूड में है, और ये बदलाव 2024 में भी दिखाई देगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।